साथियों नमस्कार, जीएस प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। मैं आपको लेके आया हूँ ग्राम हथेड़ा। गांव से लगी हुई ज़मीन है, खेती की ज़मीन है और ये हथेड़ा गांव है और लाल रोड से लगी हुई ज़मीन है। गांव से देखो लगी हुई ज़मीन, ये आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं ये तारवाड़ी है और लाल रोड से लगी हुई है। ये रोड है जो अभी कच्चा है, भविष्य में डामलीकरण होने की पूरी संभावना है। ये देखिए ये पूरी तारवाड़ी है, 6 एकड़ ज़मीन है, लगभग 6 एकड़ ये पूरी ज़मीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिला कटनी, तहसील बिजराहुगढ़, ग्राम हथेड़ा, पूरे में तारवाड़ी लगी हुई है। ये देखिए पूरी 6 एकड़ प्लेन ज़मीन है, तारवाड़ी लगी हुई है। अपन ज़मीन में ही खड़े हुए हैं, दोमट मिट्टी है, कुछ जगह पे थोड़ा मोड़ा मुरूम भी है। सामने तरफ ये देखिए बंधिया बनी हुई है जिसमें खेती होती है, परंतु इस साल खेती नहीं की गई है। संभवतः गेहूं की खेती की जाएगी, धान की खेती इस साल नहीं की गई है। बहुत बढ़िया प्लेन ज़मीन है। और हथेड़ा गांव से लगी हुई है, बिजली के पोल भी साइड से लगे हुए हैं ज़मीन के सामने से, लाइट की भी कोई समस्या नहीं है। और बहुत ही बढ़िया खेती के लिए बहुत ही बढ़िया उपयोगी ज़मीन है। यहाँ पे मकान बना के भी रहा जा सकता है। पूरी प्लेन ज़मीन जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, लगभग 6 एकड़ ज़मीन है और बहुत ही बढ़िया रेट में आई हुई है, सस्ते रेट में आई हुई है। रेट की, लोकेशन की जानकारी के लिए कृपया इस दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग एवं व्हाट्सएप नंबर सेम है। तो बहुत बढ़िया ज़मीन है, प्लेन ज़मीन है, काली दोमट मिट्टी है। ये देखिए इधर की ज़मीन में कोई मुरूम वगैरह भी नहीं है, तो खेती के लिए बढ़िया ज़मीन है। जिला कटनी से मात्र 45 किलोमीटर, तहसील बरही से लगभग 15-16 किलोमीटर, बिजराहुगढ़ से 7-8 किलोमीटर, जो कि तहसील बिजराहुगढ़ लगेगी, वहाँ से 7-8 किलोमीटर पे ये ज़मीन है। बहुत ही अच्छी ज़मीन है, सस्ती ज़मीन है, यहाँ पे खेती भी की जा सकती है, मकान बना के रहा भी जा सकता है, क्योंकि गांव से लगी हुई ज़मीन। ये बोर है, किसान ने बोर भी करा रखा है, मशीन लेकिन अभी नहीं डली हुई है।
तो जिन साथियों को इस ज़मीन के बारे में जानकारी चाहिए कृपया संपर्क करें, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे चैनल को देखते रहें। हम आपके लिए ऐसे ही सस्ती सस्ती ज़मीन लाते रहेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।